आवाज़ तो आई होगी आप लोगों को। अब हम इसका कुछ कर नहीं सकते। ए मेरा दिल तोड़ देने, ए मेरी फ्रंट किडनी टूट रही, ना ही स्क्रैच हो रही है, ये मेरे दिल पे स्क्रैचेस लग रहे हैं। जो कार लवर्स हैं वो सही समझ सकते हैं। और बहुत से लोगों ने बोला आपने ये गाड़ी कैसे अफोर्ड की और गाड़ी के बारे में वीडियो बनाए हॉबीज के बारे में, तो इंशाल्लाह लो जी ऑटो स्टीयर अनअवेलेबल हो गया, ऑटो पायलट, क्योंकि मैंने हर कुछ मिनट या सेकंड्स के बाद ये बोलता जी हाथ लगाओ, मतलब बंदा सोया हुआ तो नहीं है ना, बाकी चलती खुद ही है, पर थोड़ा हाथ लगाना पड़ता है कि हाँ जी मैं सुते या नहीं है, मैं जागता पे। आगे से ऐसी है, ये आपको दिखाता हूँ मैं, अगर मैं ये कवर कर सका तो। ये देखें ये हाल है, आगे अगर मैं इसको बिल्कुल लो पे रखूं तो लो पे ये ऐसी आती है। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है, होप सब अच्छे होंगे, इन्जॉय कर रहे होंगे हॉलीडेज अपने चाइनीज़ न्यू ईयर पे। जो मैंने वीडियो लास्ट अपलोड की थी उधर ज़रूर जाएं फैमिली के साथ, बहुत अच्छी जगह है। इस हॉलीडे में नहीं गए तो आप समझिए आपने बहुत अच्छी जगह मिस कर दी, बहुत मज़े की जगह है, ज़रूर जाना चाहिए, बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा बंदे स्ट्रेस हुए हैं, डाइन इन सब कुछ बंद है, तो वहाँ पर जाएँ आपको अच्छा लगेगा, स्ट्रेस रिलीज़ होगा, खुशियाँ बांटेंगे फिर आप दुनिया में। तो चलें वो मैं इधर लिंक डालता हूँ ऊपर, इधर या इधर कहीं पे भी, तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि मैंने ये वीडियो जो आज बना रहा हूँ वो किस लिए है। जो कि मैंने गाड़ी नीचे की है अपनी, उसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, तो आ जाएँ साथ चलते हैं। तो ये मेरी हालत है आज की, मैंने बोला OOTD भी कर दें, तो आ जाएँ चलते हैं आगे, दिखाता हूँ आपको सीन क्या है। तो अभी ये देखें, ये भी रेड कार है सेम मेरी तरह, पर ये फेस लिफ्ट है, तो इसने भी ऑलरेडी गाड़ी लो की हुई है, मेरी अभी इससे ऊपर है गाड़ी, जितनी इसने लो की है आगे से मेरी इतनी है, पर पीछे से मेरी इससे थोड़ी ऊपर है, पर इसकी जो है किट नहीं इंस्टॉल हुई भी, इस वजह से ये आगे से नीचे नहीं लगेगी, तो आगे से भी इसकी थोड़ी ऊपर ही है मेरे से। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये नॉर्मल हाइट्स होती हैं गाड़ियों की, ये जो पहले स्टैंडर्ड मेरी ऐसी थी, ये देखें कितना गैप है दोनों टायर्स में। तो अभी मेरा कुछ ये हाल है, ये आगे से ऐसी है, ये आपको दिखाता हूँ मैं अगर मैं ये कवर कर सका तो। ये देखें ये हाल है, आगे अगर मैं इसको बिल्कुल लो पे रखूँ तो लो पे ये ऐसी आती है, ठीक है, और अगर मैं इसको हाइट स्टैंडर्ड इसकी हाई भी करूँ ना तो ये तब भी, तो ये तब भी इतनी ऊपर नहीं होती अब, क्योंकि मैंने उसकी जो एयर सस्पेंशन जिसके ओरिजिनल होते हैं ना उसके अंदर एक किट ऐड होती है, वो किट ऐड करो तो फिर तुम लोग हाइट, मतलब वो किट लगाने से पहले ना उसकी हाइट सेट करनी पड़ती है कि तुम लोगों ने कितने नीचे लेके जानी है, जितने नीचे लेके जाओगे ना तो वो फिर लो हाइट इतनी हो जाएगी, जो हाई है नॉर्मल में जो स्टैंडर्ड अगर हम अंदर से स्टैंडर्ड दबाते थे तो वो ऊपर हो जाती थी, फिर उसके बाद और ऊपर होती थी अगर हाई पे उसको रखें लेवल उसका, तो अगर वेरी हाई रखें तो बहुत ऊपर हो जाती थी, तो फिर कभी भी नीचे नहीं लगती थी, वैसे भी मेरी नहीं लगती थी मैंने जब वो ऐड नहीं की थी। तो ये मेरी फ्रंट लिप है कार्बन फाइबर की, ये देख दिखाता हूँ आपको, ये देखें नीचे अभी मैं नहीं घुस सकता इसके, नीचे से बिल्कुल ख़राब हुई हुई है, सारी तरफ से स्क्रैचेस पड़े हुए इसके। तो ये है फ्रंट का टायर, और ये साइड किट साइड से तो लगती नहीं है बिल्कुल, और ये है पीछे से, पीछे से एक फिंगर का गैप है इसमें। जब मैंने पहले नीचे करवाई थी तो ये टायर्स दोनों टक इन हो रहे थे, मतलब उंगली नहीं जाती थी, ये जो इसकी बॉडी है ना यहाँ तक थी, इस लाइन तक, मतलब ये ऊपर इसकी जो ग्रिप है वो नज़र नहीं आती थी, बहुत अच्छी लग रही थी, जैसी मैं लुक चाहता था वैसी ही बनी थी, पर प्रॉब्लम ये हुई कि उस वक्त तो बहुत ही ज़्यादा लग रही थी। तो फिर कल मैं दोबारा गया, उससे मैंने ऊपर करवाई है, ऊपर करवाई है मतलब ये देखें ये अभी इसका गैप है, पर फिर भी आगे से थोड़ी और ऊपर करवानी पड़ेगी, आगे से तो बहुत मुश्किल से ये उंगली यहाँ तक, तो अभी मुझे लगता है कि आगे से इसको एटलीस्ट हमें ऊपर करवाना पड़ेगा, जब दो फिंगर चली जाएँ तो मतलब परफेक्ट है, परफेक्ट हाइट है, तुम लोग फिर गाड़ी अंदर ले जाओ पार्किंग में, टेंशन नहीं है, पर फिर भी थोड़ी स्क्रैच तो होगी, पर इतनी ज़्यादा स्क्रैच नहीं होगी जितनी अभी होती है। तो वैसे नॉर्मल हाइट्स
हाइट ये होती है गाड़ी की, अगर स्टॉक एयर सस्पेंशन पे हो, लोडिंग कितना ऐड हुई भी हो, इतना गैप होता है लो पे। तो ये है लो पे स्टैंडर्ड एयर सस्पेंशन, जिससे मैंने बात की, ये बोल रहा है स्टैंडर्ड है, कोई भी लोडिंग किट इसने ऐड नहीं की। तो मेरी लो पे ऐसी हुई हुई है, एक इंच का फ़र्क है बॉडी और उसके दरमियान, पर फिर भी आगे एक इंच, आगे हाफ इंच का है, फिर भी लग रही है। तो यहाँ पे कोई गाड़ी इतनी लो नहीं है, क्योंकि इसकी बॉडी किट लगी हुई है। ये जो गाड़ी है, इसने भी मुझे बोला है, इसकी बॉडी किट लगी हुई है, इसने मुझे बोला है कि इसका भी यही हाल हुआ है, उसकी वजह से ही, पार्किंग की वजह से। तो इसलिए हमने ये हाल नहीं करना, तो इसलिए हम अपनी गाड़ी को इंशाल्लाह बचाएंगे। तो इसका ये देखें, इसका गैप इतना ज़्यादा है और मेरा इतना नहीं है। हाय, नाइस मीटिंग यू टू। सो ये अभी मेरे दोस्त हैं जी, इनसे पहले भी एक बार मुलाकात हुई थी, गपशप हुई थी, अच्छे बंदे हैं, तो इनसे फिर मुलाकात होगी, इनको टैग भी करूँगा मैं। तो इनकी गाड़ी की हाइट आपको दिखाई है, अभी मेरी गाड़ी एक बार फिर चेक करें, खुद ही पता चल जाएगा बहुत फ़र्क है। तो बाकी आपसे गाड़ी में बैठ के बात करते हैं। अच्छा जी, तो अभी बात कुछ ऐसी है, गाड़ी पे हम निकल रहे हैं, वापस जा रहे हैं घर की तरफ, तो बाल हमारे बहुत ख़राब हुए हैं, इसलिए हम पहनते हैं कैप। अच्छा, अभी हम आ गए हैं जी पूरे टशन में, ठीक है। तो बात करते हैं कि गाड़ी जो लो की है, जो दो तीन दिन से मैं स्नैप्स डाल रहा हूँ, तो लोग बोल रहे हैं क्या गाड़ी के पीछे पड़ रहा था, अभी क्या करें यार, है ही गाड़ी है तो गाड़ी की डालेंगे। तो मतलब गाड़ी के इसलिए डालता हूँ कि जिन बंदों को पता है गाड़ी के बारे में, जिनको शौक है रखने का, जो गाड़ी से बहुत प्यार करते हैं मेरी तरह, मतलब उसको सजा के रखते हैं, मॉडिफाई कराते रहते हैं, तो वो सही समझ सकते हैं। मुझे लगता है मेरा कैमरा हिल रहा है, अभी शायद नहीं हिल रहा होगा, मैं ज़्यादा चेक नहीं कर सकता फोकस हो रहा है कि नहीं। तो मेन बात यह है कि आप तक मेरी बात पहुँच रही है, चलते हैं आगे। अच्छा, तो मैं इसकी जो एयर सस्पेंशन होती हैं, स्टॉक वाली इसकी एयर सस्पेंशन ओके, तो जो स्टॉक एयर सस्पेंशन है वो ऑलरेडी अभी भी हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि वो एयर सस्पेंशन इसकी हाइट इतनी लो नहीं लेके जाती, क्योंकि वो स्टैंडर्ड है, स्पोर्ट्स नहीं है, इसलिए वो इतनी हाई नहीं लेके जाती, इतनी लो नहीं लेके जाती, हाई तो बहुत कर देती थी। पर जब मैंने वो उसी एयर सस्पेंशन स्टॉक्स के अंदर एक किट मिलती है, लोअरिंग किट उसको बोलते हैं, वो लगाई है, ऐड की है ना, तो उसको हम पहले ही लगाने से पहले उसकी हाइट हम सेट कर लेते हैं। मैंने चार पांच बार जब लगवा रहा था, मैंने चार पांच बार उसकी हाइट चेंज करवाई कि गाड़ी नीचे ना लगे, पर फिर भी जो मुझे पसंद थी जैसी, ओके, जो मुझे ये हैं स्ट्रगल व्लॉगिंग के, अगर आप गाड़ी में अकेले हो, आपके पास आपका कैमरा इधर पूरा नहीं आता डैशबोर्ड पे, तो बहुत प्रॉब्लम है भैया जी, अब मुझे लगता है तो मुझे पकड़ के रखना पड़ेगा, फिर ना गिरे। जल्दी से बात ख़त्म करता हूँ। अच्छा, तो बात कुछ ऐसी है कि अगर आपके पास मैं पकड़ना नहीं चाह रहा, क्योंकि मामे भी पकड़ लेते हैं, पुलिस वाले रोक लेते हैं अगर तुम लोग, हाँ पुलिस वाले पकड़ लेते हैं अगर तुम लोग यूज़ कर रहे हो। तो बात ख़त्म करता हूँ जल्दी जल्दी से। जब आप वो लगवाने से पहले आप उसकी हाइट सेट कर सकते हैं कि हमें इतनी हाइट चाहिए, तो भैया चुप कर जाए यार प्लीज़। तो अभी ऑटो पायलट पे लगाई है मैंने साथ गाड़ी। अच्छा, बात यह है कि अगर आप वो लोड लिंक ऐड करते हैं अपनी गाड़ी में, तो आप उससे पहले लगाने से पहले हाइट सेट करते हैं, फिर वो उतनी नीचे बैठती है जैसी मुझे गाड़ी पसंद थी, टक इन टायर्स हो थोड़े से आगे से और पीछे से, बहुत मस्त लगती है, क्या शेप लगती है, क्या ही मतलब आय हाय हाय बता नहीं सकता। इससे पहले कि कैमरा आए, बात में ख़त्म करता हूँ, उसे आगे चलते हैं।
तो वो लगवाई पहले दिन आया, गाड़ी मेरी नीचे टच हो रही थी, मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी, स्नैपचैट पे डाली थी, जो मुझे वहाँ पे फॉलो कर रहे हैं वो वहाँ के जाके देख सकते हैं, मैं हाईलाइट्स में डाल दूँगा, तो जो नहीं कर रहे वो ज़रूर करें, मैं साथ नाम भी डालूँगा, तो आप मेरी डेली लाइफ के बारे में वहाँ से जान सकते हैं। तो वो नहीं हुआ, दूसरे दिन फिर मैं गया उसके पास, एक इंच ऊँची करवाई पीछे से भी और आगे से भी, पीछे से करवाई तो पीछे से ठीक हो गया। Speed limit is 100 kilometers per hour. भाई नया कैमरा लगवाया, अभी मैं इसको तोड़ भी नहीं सकता, तो अभी चलते हैं जी आगे की तरफ। आगे वाला फिर भी इतना ऊंचा नहीं हुआ कि आगे से ये बची रहे, पर अब मुझे लगता है एक इंच में और ऊपर करवाऊंगा तो मज़ा नहीं रहेगा, गाड़ी का जैसी मुझे लुक चाहिए थी वो नहीं बनेगी, पर स्टॉक से आप बोल लें हाफ या मतलब 0.75 इंच नीचे होगी, इतनी ज़्यादा नहीं फिर होगी, स्टॉक इसकी 2 इंच या 2.5 इंच गैप रहता था बॉडी और उसके मिडल। तो ये सीन है, ये हुआ हमारे साथ, अभी आपको समझ आ गई होगी। और वो मेन बात ये है कि जो हाइट होती है ना गाड़ी की ओरिजिनल हाइट, वही यूज़ होगा, कंप्यूटर वही यूज़ होगा इसके अंदर ऑप्शन है जो, पर सिर्फ बात ये है कि वो जो हाइट नॉर्मल आपको वो दिखा रही है ना लो, ओके जो वो आपको दिखा रही है ना कि लो पे 13 सेंटीमीटर होगी, अब वो मुझे लगा 13 सेंटीमीटर नहीं होगी, आप वो 13 सेंटीमीटर का मुझे इतना नहीं पता, पर इंच का पता है, नॉर्मल से एक इंच नीचे ही होगी हर हाइट पे, और जो स्टैंडर्ड पे दिखाती है मुझे लगता है 14 दिखाती है, 15 दिखाती है कि 15 सेंटीमीटर हाइट होगी गाड़ी की, तो वो उससे एक इंच नीचे होगी, और हाई पे ये दिखाती है जी 16 दिखाती है मे बी, मतलब आप सारा हिसाब खुद लगा सकते हैं, जिनके पास टेस्ला है उनको समझ आ गई होगी मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जब वेरी हाई पे नॉर्मली अगर ये 17 सेंटीमीटर पे होती थी, अब वेरी हाई पे 17 पे नहीं होगी, 15 या 14 पे होगी, वो सारी नंबरिंग चेंज होगी है, वो तुम लोगों को खुद सेट करना है अपने हिसाब से जब वो आप लगवा रहे हैं, अगर एयर सस्पेंशन आपकी टेस्ला में है तो। ये सीन है आज का, बस बात ख़त्म करता हूँ, अभी फिर से कैमरा आ जाएगा, फिर ये बोलेगी मैडम तो भी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा नज़र आ रहा है ना मेरे मुंह पे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं शेयर कर सकता क्योंकि मेरा कैमरा भी नहीं खड़ा हो रहा, बार बार गिर रहा है, या तो कैमरा टूट जाएगा या गाड़ी का कैमरा टूट जाएगा। अगर और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए नीचे कमेंट करना, मैं कमेंट में ज़रूर रिप्लाई कर ज़रूर करूँगा ज़रूर। और बहुत से लोगों ने बोला आपने ये गाड़ी कैसे अफोर्ड की और गाड़ी के बारे में वीडियो बनाए हॉबीज़ के बारे में, तो इंशाल्लाह लो जी ऑटो स्टीयर अनअवेलेबल हो गया, ऑटो पायलट, क्योंकि मैंने हर कुछ मिनट या सेकंड्स के बाद ये बोलता जी हाथ लगाओ, मतलब बंदा सोया हुआ तो नहीं है ना, बाकी चलती खुद ही है, पर थोड़ा हाथ लगाना पड़ता है कि हाँ जी मैं सुते या नहीं है, मैं जागता पे। तो आज की वीडियो यहाँ ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, बाकी आपको कुछ अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ज़रूर पूछें मेरे से, हम हैं ना, हम हैं हम, टेंशन लेनी, इसलिए अभी गाड़ी भी ऑटो पायलट पर नहीं लगेगी, क्योंकि एक बार ऑटो पायलट अगर आप उसको हर थोड़ी देर के बाद इसको टच ना करें स्टीयरिंग व्हील को, तो फिर वो नेक्स्ट ड्राइव के लिए ना, मतलब जिस अभी आप जा रहे हैं अगर मैं पार्किंग में लगा के दोबारा करूँ फिर हो जाएगी, पर इस ड्राइव में दोबारा ऑटो पायलट नहीं होगी। तो मिलेंगे बाद में फिर इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सी यू, अल्लाह हाफिज़।